हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मिलन राशि यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पबजी को हम शेयरइट के द्वारा किस तरीके से सेंड कर सकते हैं। पहले भी मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन वो लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आई थी। लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आई थी, जिसकी वजह से उस पर डिसलाइक भी काफ़ी हो गए थे और उस पर कमेंट आ रही थी। लोग बोल रहे थे कि हमारे में वर्क नहीं कर रही है, इस बारे में आप लोग कमेंट कर रहे थे। तो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बेसिक तरीके से समझाऊंगा, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाना और वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ में फ़ोन है। अब यहाँ पर इस फ़ोन में से हम इस वाले फ़ोन में हम सेंड करेंगे पबजी को। ये हमारा नोट 6 प्रो है MI का, और इधर जो हमारा ये सेकंड फ़ोन है ये सैमसंग का M30 है। शेयर इट से सेंड करेंगे इस वाले फ़ोन में। तो हम आप देख लीजिए, यहाँ पर पबजी नहीं है और हम इस वाले फ़ोन में से इसमें को पबजी हम सेंड करेंगे। तो हमने शेयर इट को यहाँ पर ओपन कर लिया है। शेयर इट को ओपन करने के बाद में इस फ़ोन में भी हम शेयर इट को हम ओपन कर लेंगे। तो हमारा शेयर इट ओपन हो गया, हम सेंड पर क्लिक करेंगे। सेंड पर क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर पबजी की जो ऐप है वो 42 MB की होती है लगभग, वो हम इस फ़ोन में सेंड करने के लिए क्लिक कर देंगे। और यहीं से हम फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद में हम इंटरनल स्टोरेज को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर एंड्रॉयड के फोल्डर में जाएंगे, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। OBB के फोल्डर में जाएंगे। जाने के बाद में यहाँ पर देखो com.tcent.com.ig इस तरीके से एक फ़ोल्डर है, आपको मिल जाएगा। इस फोल्डर पर इसके अंदर फाइल हमें OBB की फ़ाइल मिल जाएगी। हम इसे बैक करेंगे और यहाँ से पूरे फोल्डर को ही हम सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर ये शेयरइट कुछ परमिशन मांगेगा, वो आपको अलाउ कर देनी है। उसके बाद में हम इस वाले फ़ोन में हम रिसीव करेंगे। मैंने यहाँ पर रिसीव पर क्लिक कर दिया है। अब ये QR कोड से स्कैन करना पड़ेगा हमें। हमने स्कैन किया है ये, और ये हमारा सेंड होने लगा है। तो ये हमारा सेंड हो रहा है। अब ये यहाँ पर पबजी नीचे हमारा सेंड हो रहा है। ये यहाँ पर पबजी के जो ऐप है वो ऊपर ये सेंड हो रहा है, और नीचे जो है इसकी वो फाइल है जो सेंड हो रही है। अब इसे मैं फास्ट मोड पर कर देता हूँ वीडियो को। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। पूरी वीडियो को देखना है तभी आपको समझ में आएगी। तो जैसे कि ये हमारा सेंड होने वाला है, और ये यहाँ पर हमारा सेंड हो गया है। अब हम उसके बाद में कुछ नहीं करेंगे यहाँ से। अब इसको हम बैक कर देंगे और पूरे उसे हम क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद में इस फ़ोन में से भी हमें इंस्टॉल नहीं करना है इस ऐप को। यहाँ से हम इसे पूरे को पैक कर देंगे और क्लियर कर देंगे यहाँ से सब कुछ। फिर उसके बाद में हम जाएंगे इसके फाइल मैनेजर में। तो हमारा फाइल मैनेजर यहाँ पर है, हम इसको ओपन कर लेंगे। किसी फाइल मैनेजर और फ़ोन में कहीं भी हो सकता है, तो हम इसे ओपन कर लेंगे। इंटरनल स्टोरेज में हम जाएंगे। आप SD कार्ड में भी जा सकते हैं अगर आपने सिलेक्ट किया है SD कार्ड। तो यहाँ पर हम शेयरइट के फोल्डर में जाएंगे। शेयरइट के फोल्डर में जाने के बाद में यहाँ पर ऐप्स पर हम क्लिक करेंगे। ऐप्स के फोल्डर में हमें ये ऐप मिल जाएगा, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। तो जैसे कि ये इंस्टॉल हो गया, अब इसको हम ओपन नहीं करेंगे और यहाँ पर इस पर डन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद में फाइल्स के फोल्डर पर हम क्लिक करेंगे। ये फाइल का फोल्डर है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा जो फोल्डर हमने उसमें से सेंड किया था उससे यहाँ पर हम मूव कर लेंगे। मूव करने के लिए हम मूव पर क्लिक करेंगे और इसे इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे। जाने के बाद में हम एंड्रॉयड के फोल्डर में जाएंगे, फोल्डर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर OBB का फोल्डर है, उस पर हम क्लिक कर देंगे। उसे हम ओपन करेंगे। यहाँ से मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, मैंने ये फोल्डर ओपन कर दिया है। अब उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे।
तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दी है वो फाइल। अभी यहाँ पर फाइल आ गई, हम बैक जाएंगे और यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर ऐप तो है लेकिन इसमें फाइल नहीं है क्योंकि हमने वहाँ पर पेस्ट कर दी है उस फाइल को। और अब इसे हम पूरा बैक आ जाएंगे और क्लियर कर देंगे सबको। क्लियर करने के बाद में अभी यहाँ पर हमारा पबजी का जो ऐप है उसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में ये थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में क्योंकि फर्स्ट टाइम में टाइम लेता है, उसके बाद जल्दी ही ओपन हो जाता है। अब ये ओपन हो रहा है, मैं वीडियो को थोड़ा कट कर दूंगा अभी। तो ये ओपन हो रहा है, तो जैसे कि ये ओपन हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर ये चेकिंग फॉर अपडेट आएगा। अब ये प्रोसेसिंग हमारी कुछ टाइम चलेगी। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है इसलिए टाइम लगेगा इसमें। अभी यहाँ पर प्रिपेयरिंग रिसोर्स आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही थी लेकिन यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ता है। अब जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर 45 MB का अपडेट आ रहा है, ये तो आपको करना ही है अपडेट। इसके लिए हम अपडेट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमने अपडेट पर क्लिक कर दिया है, अब ये हमारा अपडेट हो रहा है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है स्पीड, इतनी स्पीड से अपडेट हो रहा है। मेरे यहाँ पर नेट थोड़ा स्लो है तो उसकी वजह से मैं इसे थोड़ा एक्सेट कर रहा हूँ वीडियो को। और ये देखिए हमारा डाउनलोड हो रहा है और ये यहाँ पर हमारा पूरा डाउनलोड हो गया। अब ये अपडेटिंग कंप्लीट रिसोर्स आ रहा है, अभी यहाँ पर हमें रिस्टार्ट करने के लिए मांग रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा फ़ोन यहाँ पर में रिस्टार्ट हो जाएगा गेम। अब ये गेम स्टार्ट हो गया, हम इसे दोबारा ओपन कर लेंगे। तो ये ओपन हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि पहली बार में ही टाइम लेता है, इस बार ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये ओपन होने में। तो ये यहाँ पर हमारा ओपन हो गया है, अब ये चेकिंग फॉर अपडेट आ रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा, ये कंप्लाई रिसोर्स पर आया है। अब इसके बाद में ये हमारा पूरा होने वाला है। और जैसे कि ये हमारा ओपन हो गया है, अब यहाँ पर हम अपनी कोई भी आईडी, फेसबुक की आईडी, जैसे मैं यहाँ पर फेसबुक की आईडी ओपन करूँगा, एग्री पर क्लिक करना है। यहाँ पर फिर से एक बार और एग्री पर हमें क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पर कनेक्टिंग चल रहा है, मेरा अकाउंट पहले से ही ओपन था इसलिए यहाँ पर ओके का ऑप्शन नहीं आया है। फर्स्ट टाइम अकाउंट बनाते हैं तो ओके का ऑप्शन आता है। अब ये ओपन हो रहा है, तो जैसे ओपन हो गया आप अपने मोबाइल के हिसाब से यहाँ पर ग्राफिक्स सिलेक्ट कर लें। मेरा मीडियम है तो मैं मीडियम पर कर देता हूँ। यहाँ पर सबको कट कर देंगे। अब देखिए पबजी पूरी तरीके से प्ले हो चुका है यहाँ पर। अब मैं आपको ये, मैं यहाँ पर कुछ सेटिंग कर देता हूँ, ग्राफिक्स को मैं HD कर देता हूँ। अब हम बैक जाएंगे और यहाँ पर स्टार्ट, आपको गेम स्टार्ट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है और देखिए ये पूरा इस तरीके से हमने पबजी को बिना डाउनलोड किए बस सेडिट से सेंड किया है और ये रन कर रहा है। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था वो भी ट्रिक बिल्कुल ठीक थी लेकिन मेरे पास एक फ़ोन होने की वजह से मैं आपको अच्छी तरीके से नहीं समझा पाया था, इसलिए मैंने आज ये दोबारा वीडियो बनाई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।